डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस में आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन की वेबसाइट के बारे में परिचय का यह दूसरा वीडियो है। चौथा पेज कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसमें आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पेज पर क्लिक करके कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वीडियो यूट्यूब पे इंग्लिश में देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने क्लिक किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, जिससे आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो पहला वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहले वीडियो में केवल जो उसके आर्टिकल है उनका नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे संविधान के सारे आर्टिकल का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दिया गया है। इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा संविधान इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इससे नीचे भारत के संविधान देखें, पढ़ें और सुने का लिंक है। इसमें आप वही सारी चीजें हिंदी में कर सकते हैं। इसको हम प्ले करेंगे तो पूरा संविधान हिंदी में एक एक वीडियो चालू होता जाएगा और आप पूरा संविधान हिंदी में देख पाएंगे। पहले वीडियो में विषय सूची दी गई है और दूसरे वीडियो में प्रस्तावना दी गई है। इस तरह आप पूरा संविधान यहां देखते हुए पढ़ सकते हैं। अगला पेज डाउनलोड और गैलरी है। हम पहले डाउनलोड बताते हैं और फिर गैलरी बताएंगे। हम डाउनलोड पे जाते हैं।
नेट की समस्या होने की वजह से बार बार इस तरह से हो रहा है। डाउनलोड में पहला जो डाउनलोड है वो हिंदी में नियुक्ति पत्र का है, हिंदी में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन नियुक्ति नामांकन पत्र, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके लोकसभा स्तर के सदस्यों का अपॉइंटमेंट कर कॉपी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एट द रेट gmail.com पर भेज सकते हैं। ये मैं नियुक्ति पत्र आपको पढ़ के बताता हूं और कहां क्या भरना है ये बताता हूं। यहां आप पत्रांक नंबर लिखेंगे, जैसे आपने पहला लेटर इश्यू किया तो आप वहां यहां एक नंबर दे सकते हैं, उससे पहले आप अपने लोकसभा का नाम यहां लिख सकते हैं, जिस डेट को इश्यू कर रहे हैं वहां वो डेट यहां लिखेंगे, जिसको इश्यू कर रहे हैं जिसको हम जिसकी हम नियुक्ति कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहां पर, यहां उसका पूरा पूरा पता लिखेंगे, वहां उनका यहां उनका मोबाइल नंबर आएगा और यहां ईमेल आएगा। नियुक्ति पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूं। विषय, अपने पिछड़े समुदाय का विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका अन्य सरकारी संगठन एवं निजी संगठनों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाने के लिए लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन में जिम्मेदारी पदभार के संबंध में महाशय महाशया जिनको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं अगर वह पुरुष है तो महाशय पे टिक कीजिए, अगर वह महिला है या बालिका है तो महाशया पर टिक कीजिए। आजादी के 71 वर्ष के पश्चात भारत के उच्च समुदाय का तो विकास हुआ है, वहीं भारत में अनेकों पिछड़े समुदाय हैं जो आज भी हाशिए पर हैं। इनकी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इन समुदायों का विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका अन्य सरकारी संगठनों एवं निजी संगठनों में 1% भी प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी नहीं है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन ने यह जिम्मेवारी ली है कि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछले समुदाय का विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका अन्य सरकारी संगठनों एवं निजी संगठनों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास करेगा। आपकी सामाजिक सोच कर्मठता लगनशीलता बौद्धिक क्षमता कार्य अनुभव एवं समाज में सर्वांगीण विकास के लिए समर्पण की भावना को देखते हुए आपको यदि लोकसभा के अधिकारी का को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो यहां लोकसभा का नाम लिखेंगे, अगर विधानसभा के अधिकारी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो यहां विधानसभा पर टिक करके विधानसभा का नाम लिखेंगे, इसी तरह प्रखंड का यहां नाम लिखेंगे, पंचायत का नाम लिखेंगे, वार्ड का नाम लिखेंगे। और जिस बी लेवल के अधिकारी को यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वहां उस पर टिक मार्क कर देंगे, यानी यह नियुक्ति पत्र लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों को के लिए भी दिया जा सकता है, विधानसभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के लिए भी दिया जा सकता है, प्रखंड पंचायत वार्ड आदि के अध्यक्ष और सदस्यों को दिया जा सकता है। जिस लेवल के अधिकारी को दिया जा रहा है वहां टिक कर देंगे। मैं जिलाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष
पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, इसमें से जो भी हो उन पर वहां टिक कर दें। वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेवारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि गठबंधन में 31, यहां आप डेट डाल सकते हैं जिस डेट को आप इश्यू कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 तक के लिए दी जाती है। आप अपने क्षेत्र में अपने समुदाय के 7 से 21 या ज्यादा सदस्यों की समिति एवं व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं एवं राष्ट्रीय, राज्य, लोकसभा, विधानसभा, प्रखंड, पंचायत, वार्ड कार्यालयों को सूचित करें। आपसे अनुरोध है कि शिक्षा एवं आवश्यक सूचना प्राप्त करके संगठित होकर सरकारी एवं निजी सेवाओं में नियुक्ति होने तथा अपना व्यवसाय शुरू करने का हर संभव प्रयास करें तथा इसका लाभ उठाने के लिए समुदाय के अन्य सदस्यों को प्रेरित करें एवं अपने समुदाय के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इस संबंध में कहीं भी कोई भी कठिनाई आती है तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन से सहायता प्राप्त करें एवं आप भी संगठित एवं समुदाय को हर संभव सेवाएं उपलब्ध करने का सदैव तत्पर रहें। इसमें हमें जो शक्ति स्रोत है वह संविधान है, क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को और सभी संस्थाओं को शक्ति संविधान से ही मिली हुई है। इसलिए आप संविधान का अध्ययन करें और जो भी लोग संविधान विरोधी कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जितना मजबूत आपका की समिति होगी, संविधान अनुपालना समिति होगी, उतनी मजबूती से आप करवा पाएंगे। नीचे आप फिर वह सारी जानकारी दोबारा भेजेंगे, यहां जो लेटर इश्यू करेंगे उनका नाम आएगा, उनका पद आएगा, उनका पता आएगा, उनकी वेबसाइट आएगी। अगर वेबसाइट नहीं है तो dra.bcdks.com यहां लिख सकते हैं, ईमेल यहां आएगा। ईमेल यदि नहीं है तो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन @gmail.com लिख सकते हैं, यहां मोबाइल नंबर लिखेंगे। राष्ट्रीय कार्यालय फ्लैट नंबर 163 DDA फ्लैट पॉकेट A1 सीरसपुर दिल्ली 110042 है, यहां अगर आपका राज्य का कार्यालय बना हुआ है तो यहां राज्य कार्यालय का एड्रेस लिखेंगे, यहां जिला कार्यालय का एड्रेस लिखेंगे, यहां प्रखंड कार्यालय का लिखेंगे, यहां पंचायत कार्यालय का एड्रेस लिखेंगे और वार्ड कार्यालय का एड्रेस लिखेंगे और इसकी कॉपी एक कॉपी स्कैन करके democraticrepresentation@gmail.com पर भेजेंगे, एक कॉपी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। इसी तरह यदि कोई पत्र व्यवहार इंग्लिश में करना चाहे तो सेम लेटर इंग्लिश में भी बना हुआ है, या लेटर हम डाउनलोड करके इसको फिलअप करके यहां से डाउनलोड करके और यहां से प्रिंट भी दे सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जिनको भी अपॉइंट करना है उनको इश्यू कर सकते हैं और उसकी कॉपी democraticrepresentation@gmail.com पर भेज सकते हैं। यहां संविधान की हिंदी प्रतिलिपि उपलब्ध है,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा संविधान आप डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। नेट की समस्या आ रही है, इस वजह से ये दिक्कत है। ये देखिए पूरा संविधान यहां हिंदी में डाउनलोड हो गया। यदि आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां से इंग्लिश में संविधान की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। नेट की समस्या है, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए खुल गया। अब आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से प्रिंट ले सकते हैं। हम वापस dra.bcdks.com वेबसाइट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट हमारा है गैलरी। ये हमारा गैलरी है। वीडियो बड़े होने की वजह से हम गैलरी का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।